अलैकम एवरीवान जी तो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लाग विध एन अदर न्यू रेसिपी तो जी उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आप सबको अपने अमान में रखें आमीन आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राइड राइस और पहले मैंने वेजिटेबल्स वगैरह सब्जियां जो थी सारी कट कर ली थी और फिर हमने अपने जो सॉस है पैन है उसमें हमने ऑयल डाल लिया है ताकि हम अपने वेजिटेबल्स को थोड़ा सा फ़्राई कर सकें इसमें हमारा शिमला मिर्च शिमला मिर्च ली है ग्रीन वाली भी और येलो वाली भी ठीक है और इसके अलावा बंद गोभी और साथ में हमने इसमें कैरेट्स गाजर ऐड की थी सबसे पहले मैंने येलो वाली शिमला मिर्च और गाजर को ऐड करके उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था एंड देन मैंने अपनी बंद गोभी और ग्रीन वाली शिमला मिर्च जो थी उसको ऐड करके उनको फ्राई कर लिया था ऑयल में और अंडा मैंने पहले से ही फ्राई करके रखा था एंड देन उसके बाद मैंने एक टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा ये सोया सॉस ऐड कर दी थी ठीक है और इन मिसाले को मतलब वेजिटेबल पका लिया था और उसके बाद मैंने अंडा ऐड किया था फिर हमने अपने बॉयल्ड राइस पहले से मैं बॉइड करके रखे हुए थे पानी खुश कर लिया था उनका और फिर हमने उनको ऐड किया था इसमें दम वगैरह नहीं देना फिर मिक्स कर लिया था और ऊपर एंड पे ऊपर से मैंने जो है सब्स प्याज हरा प्याज जो होता है उसको मैंने लास्ट में डाला था ऊपर से गार्निशिंग के लिए और उसको फिर मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया और ये बहुत ईजी है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह क्योंकि इसमें होती है लेकिन है बहुत इजी बनाने में कोई भी बना सकता है ठीक है तो ये बहुत मज़े के बने थे आप तक भी ज़रूर इस रेसिपी की ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी जी कुछ लोग बनाते हैं वो ब्लाउज स्टाइल में बनाते हैं लेकिन मुझे ये रेस्टोरेंट स्टाइल में ही पसंद है तो ये उनकी हमारी राइस की फाइनल लुक थी आज के ब्लॉग में यहीं तक है मेरे आप लोगों को पसंद आया होगा मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़